हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बहुत अच्छी खुशखबरी की बात लेके आया हूँ रिगार्डिंग हायर सेकेंडरी टेट यानी PGT। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और देखो अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं जल्दी मतलब कह सकते इसके रिगार्डिंग PGT और कह सकते ग्रेजुएट टीचर के लिए मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करूंगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहे ना। सो देखो इस पे, देखो नेम ऑफ द सब्जेक्ट PGT। सो अकाउंटेंसी इस पे कितने पोस्ट है, देखो 10 पोस्ट। MCOM इन अकाउंटेंसी और फाइनेंस इस पे होना चाहिए। एडवांस असमिस इस पे 115 पोस्ट, अच्छा पोस्ट है। MA इन असमिस होना चाहिए। एडवांस बंगाली यानी 18 पोस्ट इसमें, MA इन बंगाली तो इसमें भी पोस्ट अच्छा है। एंथ्रोपोलॉजी इस पे ओनली 4 पोस्ट, तो देखो MA MSc इन एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद देखो असमिस इस पे बहुत अच्छा पोस्ट है, 361 पोस्ट, तो इस पे भी MA इन असमिस जिनका है वो दोनों पोस्ट पे मतलब कह सकते हैं अप्लाई कर सकती है, जैसे असमिस और कह सकते हैं एडवांस असमिस, तो दोनों मिला के तो बहुत मतलब कह सकते पोस्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो बैंकिंग इस पे ओनली 5, इस पे MCOM विथ स्पेशलाइजेशन अकाउंटेंसी और फाइनेंस। देखो बंगाली तो इस पे देखो 64, इस पे भी पोस्ट अच्छा है, तो इस पे MA इन बंगाली तो इस पे दोनों कर सकते हो, एडवांस बंगाली और बंगाली दोनों में कर सकते हो। बड़ो पे ओनली 1, तो MA इन बड़ो होने से हो जाएगा। बोटानी 47, तो MSc इन बोटानी और MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। उसका देखो बिजनेस मैथमेटिक्स और एंड स्टेटिस्टिक, इस पे MA इन स्टेटिस्टिक इन मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक, देखो सॉरी MA या MSc मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक होने से हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज इस पे 10, तो MCOM होना चाहिए। उसके बाद देखो केस यानी कमर्शियल एरिथमेटिक्स एंड एलिमेंटरी ऑफ स्टेटिस्टिक, तो इस पे 1। उसके बाद देखो केमिस्ट्री 21, कमर्शियल एरिथमेटिक्स 1, इकोनॉमिक्स 78, एडुकेशन 29, इंग्लिश अच्छा पोस्ट है 114। उसके बाद देखो फाइनेंस 2, जियोग्राफी हिंदी ये सब देख लो, हिस्ट्री पे भी बहुत अच्छा पोस्ट है 165। तो सबसे बेस्ट मतलब जिनका SMS पे मास्टर डिग्री है उनके लिए मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। साथ ही साथ दूसरे मतलब स्ट्रीम के लिए भी अच्छा है। इस पे देखो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पोस्ट है 114, हिस्ट्री पे तो और भी ज़्यादा है 165। तो ऐसे मैथमेटिक्स ये सब में, पॉलिटिकल साइंस पे ओनली 65 पोस्ट, फिर भी अच्छा पोस्ट है, तो आप लोग अप्लाई करना। और ये देखो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है इस पे मतलब बहुत अच्छा पोस्ट है, इस पे देखो 1385 टोटल पोस्ट है। तो कैसे अप्लाई करोगे आप लोग, देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना madhyamik.assam.gov.in। सो इस पे देखो इस जाके सब चीज़ें मिल जाएगा। उसके बाद देखो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 21 अक्टूबर 2024 से, तो 11 AM यानी और कह सकते 15 नवंबर 2024 मिडनाइट तक चलेगा। तो इस पे मल्टीपल एप्लीकेशन आप लोग नहीं कर सकते, एक ही बार करना होगा। इसका एग्जामिनेशन फीस देखो ₹500 OBC MOBC ST H STP SC PWD अदर्स के लिए ₹350। उसके बाद देखो ये बहुत अच्छा पोस्ट है, मुझे देख के अच्छा लगा, तो जो लोग मतलब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कह सकते हैं वो लोग अप्लाई कर लेना। इसका ग्रेड पे भी बहुत ज़्यादा है, तो 46-47 thousand से सैलरी शुरू होगा या उससे थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा आप सबको। एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ द फी इज नॉट पेड, तो फी पे करना होगा। देखो कोई अगर गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, सर्विस पे है, तो वो लोग NOC सबमिट करना होगा। जब अप्लाई करोगे तो NOC अपलोड करना होगा। सो NOC आफ्टर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन, तो अगर NOC बाद में आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर NOC लाओ तो ये एंटरटेन नहीं होगा। देखो पर्सन एंड डिसेबिलिटी ये भी मतलब कह सकते हैं 40% मिनिमम जो है 40% होना चाहिए, और इसका फाइनल सिलेक्शन होगा मेडिकल अथॉरिटी से, मतलब कह सकते हैं प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो डिग्रीज प्रोग्राम ड्यूली रिकॉग्नाइज बाई UGC शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो UGC रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके बाद देखो इस पे कितना है 140 क्वेश्चन, तो 1 मार्क, और इसका मैं सिलेबस रिसेंटली लेके आऊँगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना रुबेल सर अकेडमी, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और देखो लास्ट ईयर भी मैंने कराया था, मेरे कुछ स्टूडेंट का हुआ था, तो PGT ये बहुत अच्छा पोस्ट है। आप लोग लास्ट ईयर मतलब क्या है जब लास्ट हुआ था तब, तो इस पर आप लोग अप्लाई कर लो, और उसके बाद मुझसे मतलब कह सकते मुझसे मतलब कैसे कनेक्ट रहो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। इस पर देखो 140 क्वेश्चन है और इस पर 0.25 यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद देखो इसका जो वेन्यू है वो काछा, डिब्रूगढ़, जोरहाट, कामरूप, कामरूप मेट्रो, कोकराझार, लखीमपुर, नलबाड़ी, सुनीतपुर, इधर है, और आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें
तो आप लोग देख लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।